विश्व भर के लोग श्री राम जन्मभूमि दर्शन के लिए आएंगे तो अयोध्या उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। तो हमने एक कपड़े का बैग बनवाया है, वो बैग लेके हम अयोध्या के घर घर जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इस बैग का साइज भी बड़ा है। ये बैग घर में सब्जी लाने के लिए, ग्रोसरी लाने के लिए, ये सालों साल चलने वाला है। लोग बहुत इसको लेके पॉजिटिव हैं। नया नौजवान चाहता है कि अयोध्या बदले, अयोध्या सुंदर दिखे। सबके संकल्प से, तपस्या से, पूरे देशवासियों के साधना से हम सब आज वो दिन देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। मंत्रों के बीच में दिव्य समागम होगा तो पूरे विश्व के हिंदू समाज में उत्सव और आनंद का वातावरण रहेगा। राम की नगरी अयोध्या को फ्री प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हमारे युवा ने एक संकल्प लिया है और आज के गेस्ट हमारे वही बताएंगे कि आखिर ये संकल्प कैसा है। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव सर। थैंक यू। मैं हर्षवर्धन हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ और समाज जीवन में भारतीय जनता पार्टी से काम करता हूँ। मैं अभी प्रदेश का महामंत्री हूँ भाजपा का। अच्छा, क्या संकल्प लिया है? संकल्प सभी अयोध्या के लोगों ने किया है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और जब विश्व भर के लोग श्री राम जन्मभूमि दर्शन के लिए आएंगे तो अयोध्या उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। तो अयोध्या कैसी दिखे, सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, जैसे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले स्वच्छ भारत, तो अयोध्यावासियों ने कहा सबसे पहले प्लास्टिक फ्री अयोध्या। तो हमने एक कपड़े का बैग बनवाया है, वो बैग लेके हम अयोध्या के घर घर जा रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक का यूज़ बंद करिए। और सबसे पहले हमने स्कूल्स में गए, स्कूल्स में हम एक प्लेज भी कर रहे हैं, लोग बच्चे शपथ ले रहे हैं प्लास्टिक फ्री अयोध्या की। तो हमने तय किया है कि 22 तारीख को जब मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं तो 22 तारीख से पहले 50,000 घरों तक वो बैग पहुंच जाए और लोग उसका यूज़ करें। अच्छा, चलिए उस बैग को देख लेते हैं जो रिप्लेसमेंट है प्लास्टिक का अयोध्या में। किससे बनाया है ये बैग? ये बैग मिक्स है कैनवास और कपड़े का। ये बैग हमने पता किया सबसे मजबूत बैग कौन सा हो सकता है। तो आप देखेंगे इस बैग का साइज़ ही बड़ा है। ये बैग घर में सब्जी लाने के लिए, ग्रोसरी लाने के लिए, ये सालों साल चलने वाला है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और आदरणीय प्रधानमंत्री का संदेश था स्वच्छ भारत। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके मोदी जी के सपनों का भारत कैसा हो, वैसी अयोध्या उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। जब वो अयोध्या आएँ तो उनको महसूस हो कि स्वच्छ भारत अयोध्या में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम सभी युवा उनके आने से पहले उनके स्वागत में संकल्पित हैं कि अयोध्या में प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें और आगे आने वाले समय में इसको पूरी तरह से प्लास्टिक से मुक्त कर दें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपका ये मैसेज हर घर तक पहुँचे, हर अयोध्यावासी तक पहुँचे। एक और चीज़, फिलहाल ये कितने आपने अभी तक, अगर मैं बात करूँ 22 जनवरी से पहले पहले, आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा, अभी तक कितने आपने इस तरह के बैग बांट दिए? आज सुबह देखें लगभग वॉलंटियर्स स्कूल 24,000 घरों तक पहुँच चुके हैं हम लोग स्कूल, और 24,000 लोगों तक ये बैग पहुँच चुका है। अब जब मैं शाम को जाता हूँ मार्केट में, मंडी में, तो लोग बैग में सब्जियाँ ले रहे होते हैं, सामान ले रहे होते हैं और कई बार साइकिल के पीछे बैग बंधा होता है, तो अच्छे लगता है कि लोगों ने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो बैग लोगों तक पहुँचना ये फर्स्ट फेज़ है, लोग इसका यूज़ करें। तो बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और भी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, व्यापार मंडल है, इनके बीच हम जाने वाले हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि इनके माध्यम से भी ये बात शहर के लोगों तक पहुँचे कि कितनी जल्दी हम अयोध्या को प्लास्टिक फ्री कर पाएं, इसका प्रयास है हमारा। अगर ये चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो जाती है हैशटैग फ्री प्लास्टिक, उसके बाद आपने सोचा है कि दूसरा संदेश जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं लोग इसका भी पालन करें? बिल्कुल, ऑन द ग्राउंड लोग बहुत इसको लेके पॉजिटिव हैं। नया नौजवान चाहता है कि अयोध्या बदले, अयोध्या सुंदर दिखे। हम बहुत सारे सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जितने भी सिविल से हम बातें करते हैं अयोध्या शिक्षित हो, तो उसके बारे में बहुत सारी हमारी पॉजिटिव प्लानिंग से आगे करने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज़ प्लास्टिक फ्री का है, आगे बहुत कुछ करना है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कभी उम्मीद की थी कि अयोध्या में रामलला जी की जन्मभूमि बनेगी? बिल्कुल, उम्मीद तो थी और एक मन में निश्चिंत भाव भी था कि उस समय ज़रूर आएगा, कि ये 500 वर्षों का संघर्ष जो हमारी कितनी पीढ़ियों ने झेला है, तो हम सब
एक दिन ऐसा आएगा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखेंगे। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, देश में कहीं भी जाता था लोग पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। तो कई बार मन में सवाल उठता था कि भाई इतना देर क्यों हो रहा है, लेकिन मैं कहता था आप निश्चिंत रहिए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। और आज देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सबके संकल्प से, तपस्या से, पूरे देशवासियों के साधना से हम सब आज वो दिन देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं, मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं, ये सौभाग्य का विषय है। अच्छा, अयोध्या पूरी तरीके से बदल गई है जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अयोध्या के बदलने से, नए तरीके आने से क्या अयोध्यावासी के जीवन भी बदल रहे हैं? देखिए बिल्कुल बदलता है। हमने आपसे कहा ना कि आध्यात्मिकता के साथ साथ रोजगार, आप देखेंगे कितनी तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 50,000 करोड़ रुपए के अधिक प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। इतना सुंदर एयरपोर्ट इतने कम समय में बनकर तैयार हो गया है, देश के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों में से एक हमारा रेलवे स्टेशन अयोध्या, तो यातायात के सुगम माध्यम बन रहे हैं। जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप वो प्लान कर रहे हैं कि अयोध्या में क्या कर सकें, वो अच्छे होटल्स आ रहे हैं, तो निश्चित यहाँ के नौजवानों को मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो अपने व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से शहर के पूरे इकोसिस्टम में लगातार बदलाव आ रहा है और पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और लोग बहुत उत्साहित हैं इसको लेके कि अयोध्या का हर नौजवान, अब उसे बाहर काम करने नहीं जाना है, अयोध्या में इतने मौके हैं कि बाहर के लोग यहाँ काम करने वाले हैं, तो अयोध्या तैयार है आगे आने समय के लिए। अच्छा, 22 तारीख को हम कौन सी तस्वीर देख पाएंगे अयोध्या की, दुल्हन जैसी सजी? देखिए दुल्हन जैसी सजी, और मैं कहता हूँ ना कि एक बात मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व के नक्शे पे अयोध्या दैदीप्यमान होगी उस दिन। मोदी जी आ रहे हैं, पूज्य संतगण आ रहे हैं, इस देश के जनमानस की जिन भी व्यक्तियों में आस्था हो, कला क्षेत्र के हों, सिनेमा क्षेत्र के हों, खिलाड़ी हों, पूज्य संतगण हों, सबकी पावन उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन होगा, मंत्रों के बीच में दिव्य समागम होगा, तो पूरे विश्व के हिंदू समाज में उत्सव और आनंद का वातावरण रहेगा। 71 साल पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना फर्क है? अब ये हमसे बेहतर आप जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है, ये कोई सवाल इस देश के हर नागरिक के जहन में इसका उत्तर है कि अयोध्या 31 साल पहले कैसी थी, जब एक जनमानस ने अपनी तपस्या से, संघर्ष से ये प्रण लिया था कि ये वो हमारा स्थान है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन आप देश में और दुनिया में बहुत कम स्थान हैं जो आक्रांताओं के कब्जे के बाद वापस लिए गए हों। मैं बहुत गंभीरता से कहता हूँ, आप पूरी दुनिया का उदाहरण करेंगे, अभी इसराइल और उनका वॉर चल रहा पैलेस्टीन का, ये उन स्थानों में से एक है जो हमने पूरी तरह वापस लिया, हमने संकल्प लिया कि हमारे आराध्य की स्थली है, हमारे आराध्य की जन्म स्थली है, तो उस संकल्प को अब साकार कर रहे हैं और प्रभु यहाँ विराजने वाले हैं। अच्छा, राम जन्मभूमि की वजह से क्या लगता है कि बीजेपी को 2024 में जनता कितना प्यार देगी उन्हें? ये बहुत अच्छा सवाल है, 2024 में कितना प्यार देगी, ये तो आप बेहतर हमारे शीर्ष नेता बोल रहे हैं। प्यार तो जनता ने हमें 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, जनता ये जानती है कि जो राम के मन का राष्ट्र है, मैं कहता हूँ राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र हैं, और देश के जनमानस में, इस देश की चेतना में ये बात अमिट रूप से उपस्थित है कि भारतीय जनता पार्टी राम के विचार के साथ, राम के मन के साथ, राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ी है। चलिए, एबीपी लाइव से बातचीत करने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल कि 22 जनवरी के लिए आपकी क्या तैयारी है? हमें जो भी संगठन ने निर्देश दिए हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, हमें जो भी निर्देश मिले हैं हम उनका पालन कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी विचार परिवर्तन करेगा हम उस भूमिका में रहेंगे।